तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक वृंदावन। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों मोबाइल में, यहाँ पर जब भी किसी मोबाइल को आपने बाय करने जाते हैं दोस्तों, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखना होता है कि मोबाइल लैग ना करे, ज़्यादा हीट ना करे और बैटरी बैकअप ज़्यादा दिए। जी हाँ दोस्तों, यह सभी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी होती है मोबाइल के प्रोसेसर से। तो दोस्तों आपने यहाँ पर मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करने वाले मोबाइल के प्रोसेसर में क्या क्या होता है, कैसे काम करते हैं और कौन सा प्रोसेसर आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें मोबाइल के प्रोसेसर की, तो मोबाइल के प्रोसेसर यहाँ पर जब भी आपने प्रोसेसर चूज करने जाते होंगे, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल बाय करने से पहले आपने यहाँ पर मोबाइल के स्पेसिफिकेशन देखते हैं और उसमें देखते हैं प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रोसेसर एक तरह से यहाँ पर नए बने होते हैं क्योंकि उसके प्रोसेसर में भी अंदर बहुत ही मटेरियल पड़ा होता है। सो दोस्तों चलिए यहाँ पर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपने कभी न कभी यहाँ पर सुना होगा, ये प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन का है, यहाँ पर 12 नैनोमीटर का बना है और जो कि सैमसंग का प्रोसेसर है और यहाँ पर बना है 10 नैनोमीटर पे। दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर NM क्या है 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर और यहाँ पर 10 नैनोमीटर। और यहाँ पर प्रोसेसर में एक चीज़ और होता है ऑक्टा कोर। और दोस्तों यहाँ पर ऑक्टा कोर होता है, हेक्सा कोर और यहाँ पर क्वाड कोर, दोस्तों यहाँ पर डेसा कोर, कुछ इस तरह से यहाँ पर डेका कोर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ सब क्या है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सिंपल भाषा में। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक कोई बाइक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्क्रीन पर। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर बाइक है और बाइक आपके यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए इसका इंजन, जहाँ दोस्तों जो कि इंजन है इसका, मान लीजिए इंजन आपको यहाँ पर अच्छे कंपनी के द्वारा बनी होती है और इसमें मटेरियल अच्छा पड़ा होता है दोस्तों, तो यह बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है और इस पर ज़्यादा लोड नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यह सभी ऐसे ही काम करती हैं प्रोसेसर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर में यहाँ पर ऐसे चार बड़ी कंपनियाँ जो कि मोबाइल प्रोसेसर बनाती हैं, सैमसंग और स्नैपड्रैगन, मीडिया टेक और एनवीडिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पर कंपनी का नाम है दोस्तों। तो अब बात करें यहाँ पर बिल्ड डिज़ाइन की दोस्तों, तो इसमें आपको चार बातों का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए आर्किटेक्ट से। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जितने भी कंपनियां हैं सबसे पहले यहाँ पर आर्किटेक्ट डिज़ाइन करती हैं और इन सभी आर्किटेक्ट डिज़ाइन की कंपनी एक है जिसका नाम है आर्म। जी हाँ दोस्तों, आर्म जितने भी यहाँ पर प्रोसेसर आते हैं उस सभी का आर्म डिज़ाइन अलग अलग होता है, जो कि इसका मॉडल होता है कोटेक्स A8, कोटेक्स A9 दोस्तों, A12, A15 और A53, A57 और A70, कुछ इस तरह से यहाँ पर मॉडल नंबर आता है। और उसके बाद यहाँ पर बात आता है यहाँ पर नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, जो कि नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर नैनोमीटर टेक्नोलॉजी इस बेस पर काम करती है, जितने भी यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं दोस्तों उनके जो कि गेट होता है, उन गेट के साइज को नैनोमीटर में नापा जाता है, इसी को कहते हैं नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्रोसेसर बनते हैं सभी में नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज होती है और यहाँ पर जो कि गेट होता है, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी को नापा जाता है नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में। सो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रोसेसर होते हैं सभी प्रोसेसर में यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हज़ारों करोड़ों यहाँ पर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, सभी ट्रांजिस्टर को यहाँ पर कंबाइन करके एक प्रोसेसर बनाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही जितने भी यहाँ पर NM कम रहेंगे, जी हाँ दोस्तों, जो कि NM होता है और नैनोमीटर, तो दोस्तों नैनोमीटर कम होते हैं उतने प्रोसेसर हाई चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसर में ऐसा होता है दोस्तों, आपने यहाँ पर कोर, जी हाँ दोस्तों, जो कि कोर होता है, कोर के बारे में आपने यहाँ पर सुना होगा, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से कोर काम करता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी को काम लगाया, जी हाँ दोस्तों, आप एक मैनेजर हैं दोस्तों और आपने काम लगाया एक बंदे को दोस्तों, तो अकेले वहाँ पर 8 दिन का काम है। तो दोस्तों वो 8 दिन लगाएगा अकेले काम करने में, और मान लीजिए 4 बंदे को आपने काम लगाया, तो दोस्तों वह चारों मिल करके यहाँ पर काम को यहाँ पर डे कम कर देंगे, जो कि इसका दिन है दोस्तों टाइमिंग। तो दोस्तों टाइमिंग कम हो जाएगा और काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और मान लीजिए आपने 8 लोगों को एक ही साथ लगाया था दोस्तों, वह काम एक ही दिन में हो जाता है। इसी तरह से प्रोसेसर भी करता है कोर, जो कि आपने सुना होगा ऑक्टा कोर और हेक्सा कोर यहाँ पर, और यहाँ पर होता है एक प्रोसेसर जो कि ऑक्टा कोर 4 कोर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्टा कोर जो कि हाई है, तो दोस्तों यहाँ पर 8 लोगों के बराबर काम करता है ऑक्टा कोर अकेले। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह से यहाँ पर प्रोसेसर काम करता है। और एक बात यहाँ पर आपको और क्या लगना चाहिए, जो कि इसका फ्रिक्वेंसी रेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गीगा हर्ट्ज के बारे में आपने सुना होगा, 2.1 गीगा हर्ट्ज, 2.0 गीगा हर्ट्ज, 1.5 गीगा हर्ट्ज, 1.8 गीगा हर्ट्ज। तो ये गीगा हर्ट्ज की आ जाए, जी हाँ दोस्तों, ये फ्रिक्वेंसी रेट होती है उसकी। सो दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी यहाँ पर प्रोसेसर में देखना है, तो दोस्तों 1 गीगा हर्ट्ज का मतलब वहाँ पर ये प्रोसेसर 10 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़ काम करेगी 1 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उसका क्लॉक स्पीड होता है, जो कि प्रोसेसर होता है उसमें एक घड़ी लगी होती है छोटी सी, तो वह घड़ी उसके काम करने की फ्रिक्वेंसी रेट बताती है गीगा हर्ट्ज के रूप में, जिस जो कि इसकी यूनिट होती है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर आपको यहाँ पर चार बातों का ख्याल रखना चाहिए, आर्किटेक्ट, बिल्ड डिज़ाइन और यहाँ पर दूसरा है नैनोमीटर टेक्नोलॉजी।
और तीसरा नंबर ऑफ कोर्स, और चौथा यहाँ बात करें तो उसका है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रेट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रोसेसर डिजाइन होता है। तो यही थी वीडियो छोटी सी प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी और आपको डाउट क्लियर हो गया तो दोस्तों वीडियो आपको यहाँ पर शेयर जरूर कर देना होगा। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों।